हेलो, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे की सुबह 6:30 बजे मैं आ गई थी छत पर वॉक करने के लिए। तो वैसे तो मैं जब उठती हूँ तो सारांश भी मेरे पीछे पीछे उठ जाता है, पर आज ऐसा हुआ कि वो सोया रहा अपने पापा के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा मौके का फ़ायदा ही उठा लूँ, क्यों ना छत में जाकर ठंडी ठंडी हवा में घूम लूँ, जो पहाड़ हैं ये जो दिख रहे हैं सामने ये देख के आ जाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत ही बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और ये टाइम कभी कभी मिलता है, क्योंकि जब सारांश मेरे साथ साथ उठ जाता है तो फिर मैं छत में नहीं आती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फिर इसी के साथ सारांश के साथ ही सारा टाइम इधर उधर निकल जाता है। तो थोड़े सा टाइम अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए पूरे दिन में, 15 मिनट 20 मिनट जितना मर्जी निकालो। तो यहाँ पर मैं फटाफट तेज़ तेज़ भाग रही थी, वॉक कर रही थी, क्योंकि फिर पूरे दिन भर कब निकल जाता है, कभी टाइम मिलता है वॉक करने का, कभी नहीं मिलता है। सो मैंने सोचा फटाफट से कर लेती हूँ वॉक। और अब थोड़ा थोड़ा मौसम में ठंडक आने लग गई है सुबह सुबह। और दिन ऐसा होता था कि इस टाइम पर बहुत मतलब गर्मी से लगने लग जाती थी, पर अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने लाइट नहीं एकदम से जलाई थी, और मनीष जी भी उठ चुके थे, वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला सारांश को उठा दो। तो हम दोनों में कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं नहीं मैं उठाऊंगा, नहीं नहीं मैं उठाऊंगी, तो हम दोनों में ऐसा होता है, वो बोलते हैं नहीं मैं उठाऊंगा, तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं उठाऊंगी। क्योंकि जब बच्चा अपना बच्चा सो रखा होता है ना, उसको उठा के जब वो उठते टाइम वो प्यारी सी स्माइल देता ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला चल तू ही उठा ले आज। तो यहाँ पर मैं उसको उठाने आ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कंबल वगैरह कर लेती हूँ और थोड़ा माहौल बना लेती हूँ ताकि वो उठ जाए। क्योंकि अगर पंखा चलता रहता है और लाइट बंद रहती है ना, तो और ज़्यादा अलकस आता है बच्चों को। और यहाँ पर वो पूरे नाटक दिखा रहा था कि वो नहीं उठना चाहता है, पर ऐसा है कि बच्चों को थोड़ा प्यार प्यार से करते रहो तो उठ जाता है वो। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बिल्कुल प्यार से मना मना के उठा लेती हूँ। वरना हमारे टाइम पर तो ऐसा होता था कि मम्मी की एक आवाज़ लगती थी, उठ बच्चों उठ जाओ। अगर एक आवाज़ में नहीं उठते थे तो बस फिर तो कहना ही क्या है। कि पर ये है कि वो हमें जब हम बड़े हो गए थे तब लगती थी, जब हम भी ऐसी 2-2.5 साल 3 साल 4 साल के रहे होंगे तो हमारी मम्मी भी ऐसी प्यार से उठाती होगी। तो ऑलमोस्ट वो उठ ही चुका था, तो मैं उसे तब तक फटाफट से बेड भी समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर बेड समेट दो तो अपने लिए ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा होता है एक बार रूम से बाहर निकल जाओ तो वापस कब आना है ये कुछ पता नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है। तो यहाँ पर महाराज जी उठ चुके थे पूरी तरीके से। तो सारांश के उठने के बाद मैं तो आ जाती हूँ किचन में, जब मैं उसको उठा देती हूँ और वो चला जाता है अपने पापा के पास। तो उसके पापा का क्या है, वो उसको ब्रश वगैरह करवा देते हैं, नहला देते हैं, और मेरा जो काम है वो किचन का रहता है। तो यहाँ पर मैं बादाम छील रही थी, क्योंकि सुबह सुबह अगर खाने को दे दो तो खाते हैं, वरना फिर पूरे दिन भर ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ पर 2 बादाम मनीष को दूंगी, 2 बादाम सारांश को दूंगी, और 2 ही मैं खाऊंगी। ज़्यादा हम में से कोई भी नहीं खाता है, मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ 3 या 4, पर और ना ही सारांश खाते हैं ना ही मनीष खाते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने चने भी भिगा दिए थे रात को, काले चने, क्योंकि आजकल ऐसा है कि प्याज वगैरह डल नहीं रहा है तो ज़्यादा आइटम्स नहीं रहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो प्याज के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो मतलब सोचना पड़ता है रात को पहले ही कि सुबह मैं क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पर मनीष ने बोला कि 1 मुट्ठी मेरे लिए बचा देना, क्योंकि उन्हें भीगे हुए चने खाने पसंद है, और बाकी बना देना। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी उनके लिए बचा दी थी और बाकी मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। तो सुबह सुबह चढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि चने ऐसी चीज़ है, राजमा ऐसी चीज़ है, अगर आपको बनाना है तो 1.5-2 घंटे आपको बिल्कुल पहले से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने पानी में ही नमक और हल्दी डाल दिया था, क्योंकि मैंने सुना है कि हल्दी डालने से, नमक डालने से जो आपका जो छोले हैं या राजमा है वो जल्दी पक जाते हैं।
तो यहाँ पर मुझे जो सारे काम एक साथ ही याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं धनिया भी, बाहर धूप दिख रही है तो धनिया भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा धनिया हो चुका है ख़त्म पीसा हुआ और बाहर का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं धनिया लेके आती हूँ जहाँ से, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा धनिया निकलता है, तो मैं इसको ऐसे ही सुखा देती हूँ, फिर पीसते टाइम एक बार देख लेती हूँ रात को। और यहाँ पर सारांश के लिए दूध, बिस्किट और बादाम दे दिए हैं। दूध मैं उसको आधा कप ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सुबह सुबह फुल वो नहीं पी पाता है, और मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जितने में वो सेटिस्फाइड है उतने में मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। मतलब कच्चा लालच नहीं करती हूँ कि बच्चा है मेरा तो इसको खिलाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना उसमें होगी पीने की हिम्मत हो उतना ही पिलाती हूँ, आधा गिलास देती हूँ बस। फिर उसके बाद मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और अपनी चाय भी मैंने चढ़ा दी थी। वैसे तो छुट्टी आजकल जल्दी हो रही थी सारांश की, पर ऐसा है कि छोटा बच्चा होता है, अब जैसे आपने देखा है कि आधा गिलास दूध पी के गया तो उसमें एक घंटा डेढ़ घंटे बाद फिर उसको भूख लग जाती है, तो टिफ़िन देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बेसन का चीला बना रही थी। तो अभी इसको कुछ ऐसा मना नहीं है कि पास्ता नहीं लाना या मैगी नहीं लानी, अभी इसको कुछ भी दे सकते हैं। इसकी मैम ने बोला फर्स्ट क्लास तक बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट से फिर हो जाता है कि पूरा प्रॉपर रोटी सब्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेसन का चीला ही दे रही हूँ, मैगी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने सुना है, बब्बू ही सारांश ही बता रहा था कि मम्मा बच्चे लड़ाई करते हैं, बच्चे मतलब छीना झपटी कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता है भाई। जैसे हमारा बच्चा है उसको लालच आता है, वैसे ही दूसरों के बच्चों को भी आता होगा, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देती हूँ जिससे बच्चों की लड़ाई हो सके। तो यहाँ पर मैं उसको बेसन का चीला दे रही हूँ और उसको बहुत पसंद भी है सारांश को। तो मेरी चाय तो रेडी हो चुकी है, इसके बाद मैं मनीष की चाय बनाऊंगी। एक डेढ़ हफ्ता तो उन्होंने काढ़ा ही पिया था, चाय नहीं पी रहे थे वो, और वैसे भी वो वैसी मेरी जैसी मतलब दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, उनको लेमन टी ही पसंद है। पैक चेक कर रही हूँ, वैसे तो एक बार रात को कर लेती हूँ पर मुझे सुबह भी करना पड़ता है, क्योंकि सारांश को क्या है आजकल अपने कपड़ों को पैक कर करके रखता है बैग में। और यहाँ पर मुझे आटा, जो गेहूँ पिसवाई थी मैंने, दो दिन हो चुके हैं, वो पलटाना था ड्रम में, पर ड्रम में थोड़ा मतलब मुझे लगा कि इसको धोने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जल्दी 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 आटा हम पिसवा के भरते हैं तो इतना धोने की ज़रूरत नहीं होती है, कपड़ा मार के साफ़ हो जाता है। पर फिर वो मैंने रख दिया था साइड में धोने के लिए। यहाँ पर सुबह सुबह जैसे कि फिरकी घूमती है ढर्र जैसे मोटर गाड़ी चलती है एकदम ढर्र 60 की स्पीड पे, वैसी मैं भी सुबह सुबह घूम रही हूँ, क्योंकि सारांश स्कूल जा चुका है और मुझे फटाफट से उसको लेने जाना होता है, तो पता भी नहीं चलता है कब डेढ़ दो घंटे तीन घंटे ऐसे निकल जाते हैं। कभी कभी तो डेढ़ दो घंटे काटने ही बड़े मुश्किल होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ गए। तो उसके बाद झाड़ू जब मेरा पूरा लग चुका था सब कमरों में, तो मैंने जो वॉशिंग मशीन एक दिन पहले बाहर रखी थी वो मैं अब जाके अंदर ला रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो मैं भूल भी गई थी कि बाहर मैंने मशीन रखी हुई है। फिर सुबह इसीलिए मैंने फटाफट से रख दी थी, क्योंकि फिर ऐसा होता अपने कामों में लग जाता तो याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं थर्माकोल रख रही हूँ, फिर उसके ऊपर मशीन को रखूँगी, क्योंकि ऊँचा नीचा है, बाथरूम थोड़ा ऊँचा है और वो थोड़ा फर्श थोड़ा नीचा है, इसीलिए पाइप की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशीन ही लगा दी, फिर बाकी के काम करूँगी। मनीष तो बोल रहे थे कि मशीन को बाथरूम में ही लगाओ, पर मुझे थोड़ी डेंजरस लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है ना, जिस इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो बड़ी डेंजरस लगती हैं, क्योंकि नहाते समय बाई चांस करंट वरंट आ गया तो। वैसे तो मोस्टली सभी काफ़ी लोग होते हैं जो लगाते हैं बाथरूम में भी, पर मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों के टाइम पे ही लगाऊंगी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ऐसा होता है कि गर्म पानी में नहाना होता है तो आराम से अपना बैठ के नहा सकते हैं, और गर्मियों में शावर में नहाते हैं तो बच्चों के साथ तो वैसे भी छींटे इधर उधर जाते हैं तो डेंजरस ही होता है। और यहाँ पर मैं लगे हाथ जो जो मुझे काम दिखता रहता है वो मैं फटाफट से निपटाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको मैं तब करूँगी इसको मैं तब करूँगी। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लूँ, झाड़ू मेरा लग ही चुका था, और पोछा लगाने से पहले मैं यहाँ पर धो देती हूँ वॉश बेसिन को, क्योंकि जो भी पानी इधर उधर गिरना होता है वो गिर जाता है।
वॉश बेसिन को मैं साफ़ करती हूँ, स्कॉच ब्राइट मैंने रखा हुआ है एक एक्स्ट्रा, और मैं सर्फ से साफ़ करती हूँ। मैं उसमें हार्पिक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इन चीज़ों से चीज़ें बाद में डार्क सी हो जाती हैं, मतलब तब हमें चमचमाती हुई दिख जाएंगी, पर बाद में ये चीज़ें, क्योंकि इसमें ज़्यादा एसिड वगैरह डाला होता है तो बाद में इन चीज़ों पे असर होता है। तो यहाँ पर मैं शीशे को भी पानी से और न्यूज़पेपर से साफ़ कर रही हूँ। न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी तरीके से ग्लास साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैंने शीशे पे बिंदियाँ चिपकाई हुई थी, जो कि मोस्टली हर घरों में चिपकाते होंगे बिंदियाँ शीशे पे, तो मैंने वो हटा दी हैं, क्योंकि अभी तो 3-4 बिंदियाँ हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी तो वो जो शीशे की जो गेटअप होती है, जो शो है उस शीशे की, वो ख़राब हो जाएगी, पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो गोंद होती है बिंदी की वो चिपकी रह जाएगी उसमें। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों की सफाई हो रही है, और 3-4 दिन में करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब हम यूज़ करते रहते तो पता ही नहीं चलता है क्या चीज़ कहाँ से कब गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा वॉश बेसिन भी क्लीन हो ही चुका है, जो कि टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी ही ड्यूटी है उसको क्लीन करना, तो जो कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ मैं हाउस मेकर हूँ, और मैं अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। प्रीति जोशी जो मेरी पड़ोसन है और सब्सक्राइबर भी है। तो थोड़ी देर बाद मुझे मेरी जो फ्रेंड हैं, जो YT के थ्रू ही बनी है, वो मिल गई थी, प्रीति जोशी जी, जो कि बहुत अच्छी हैं नेचर में, और एकदम से उन्होंने मुझे देखा, हम वहाँ पर गोलगप्पा पार्टी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। आई एम बैक। तो रात के 9:30 होने वाले हैं, मनीष जी अभी तक ऑफिस से आए नहीं। आज मेरा पूरा प्लान था कि मैं झंगोरे की खीर बनाऊंगी, पर दूध मैंने उनसे मंगाया था, वो लाए नहीं है, और मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि दिन में मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, तो लेती आऊँ, ऐसे ही होता है। उन्हें भी मैं दोष नहीं दे सकती, क्योंकि भाई जब मैं भी तो गई थी तो मैं ही नहीं लेके आई, तो मैं उनको क्या बोलूँ। तो अगर अभी वो ले आएंगे तो फिर कल सुबह बनाऊंगी या कल शाम को। अभी तो भाई खीर के लालच में आके मैंने सिंपल सी लौकी की सब्जी बनाई थी, मैंने कहा चलो लौकी की सब्जी फटाफट बना देती हूँ, खीर को मजे से बनाऊंगी, तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मॉर्निंग रूटीन दिखाया है जो कि 6:30 से 10 तक का है, 10 तक इतना चक्कर चक्कर ऐसे गोल 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 चक्री की तरह घूम जाती हूँ मैं, तो क्योंकि इसको जल्दी आजकल लेने जाना पड़ रहा है तो फटाफट फटाफट कर लेती हूँ, और वो भी पूरा नहीं है, वो भी आधा 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 है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब जल्दीबाजी होती है तब हम ज्यादा फोकस अपना काम निपटाने में रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि यार इसको शूट कर लो उसको शूट कर लो, तो इसीलिए। तो फिर अभी मैंने रोटीज बनाने जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले थोड़ा बातें कर लूँ आप लोगों से, क्योंकि अब आदत बन गई है, तो आप सबसे बातें किए बिना दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आज जब मैं गई थी, कैंप था, लेडीज कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप था, तो कुछ जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं अभी चल दूं, टाइम ज्यादा लगा नहीं हमें, तो वापस आते हुए मैंने आंटी को बोला चलो आंटी गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो दीदी थे, आंटी थे, हम 3-4 थे, तो हमने वहां गोलगप्पे खाए, फिर एकदम से मुझे कोई मिल गया वहां पर, जिसकी क्लिप मैंने आपको दिखाई हुई है। तो प्रीति जोशी जी मुझे मिले हैं, लगता है हम है पड़ोसी, पर हमें पता ही नहीं कि हम पड़ोसी हैं, वो भी YT के थ्रू हमें पता चला कि हम पड़ोसी हैं। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी होगी, उस पर उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये यहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे पता लगाया तो हम पड़ोसी निकले। तो पहले एक दो बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ, पर आज ऐसी जगह पे मिली थी जहाँ पे ठीक से बात हो गई, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अच्छा तो मुझे फर्स्ट डे ही लग गया था, क्योंकि उनमें अपनापन सा है बहुत, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। कभी फुर्सत में सोच रही हूँ या उनके घर जाऊं या उनको यहाँ बुलाऊं, ऐसा कुछ करूं, क्योंकि जब आपसे कोई आपके काम से जानता है आपको तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे जानते हैं वो अलग बात है, पर काम के थ्रू जब आपको कोई जानने लगता है ना, तो मतलब बहुत खुशी होती है कि चलो हाँ हम अच्छा कर रहे हैं तब ये हमें जानते हैं, तो बहुत मजा आया उनसे मिलके। अब मैं चलती हूँ, लेती हूँ आपसे इजाजत, कल के व्लॉग में मिलेंगे।